तो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं चकराता की मेन मार्केट से, जिसे आप मॉल रोड भी कह सकते हैं। हालांकि ये इतनी बड़ी नहीं है, बहुत छोटी सी है, क्योंकि चकराता भी एक बहुत छोटा सा हिल स्टेशन है। काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है, क्योंकि टाइगर फॉल्स और मोरा टॉप जैसी जगहें बहुत दूर दूर हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया पिछले ब्लॉग्स में। लेकिन मार्केट जो मेन मार्केट है, दैट इज़ वेरी स्मॉल। लेकिन यहाँ पे आपको अपनी ज़रूरत का सारा सामान मिल जाएगा, प्लस खाने पीने की दो तीन दुकानें हैं वो आपको मिल जाएंगी। चांदनास फूड कोर्ट जो बहुत फेमस है, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जहाँ से आप बहुत ही टेस्टी खाना खा सकते हैं। इनफैक्ट तीनों टाइम का खाना खा सकते हैं। फिर से आ गए हैं हम उसी पॉइंट पे जहाँ से दो रास्ते कटते हैं। ऊपर वाला जाता है मोला टॉप और नीचे वाला रास्ता जाता है टाइगर फॉल्स। तो आज हम गलती नहीं करेंगे कल की तरह, आज हम चलेंगे नीचे वाले रूट से जो सीधा हमें ले जाएगा टाइगर फॉल्स। सो वेलकम टू द न्यू व्लॉग फ्रॉम डे 3 फ्रॉम चकराता। अभी हम लोग जा रहे हैं टाइगर वाटरफॉल्स। बीच में रुके थे यहाँ पे पानी भरने के लिए, थोड़ा सा यहाँ ऊपर से पहाड़ों में से पानी निकल रहा था, तो भाई पानी भर लो, ऐसा पानी तो मिलता नहीं है गुड़गांव में, वहाँ तो अपना आर ओ भी पीना पड़ता है, इसमें मिनरल सारे जा चुके होते हैं। और यहाँ पे नीचे बढ़िया सी आवाज़ आ रही है झरने की, बड़ा ही अच्छा, मतलब मधुर ना संगीत काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है। थोड़ा ज़्यादा बोल रहा हूँ वहाँ, लेकिन एक्चुअल में अच्छी फीलिंग आ रही है। और व्यू, ये व्यू है, हर मोड़ पे एक अलग और बढ़िया और सुंदर व्यू है, जो मतलब मैं कैसे बताऊँ, मतलब हर मोड़ पे अलग व्यू है। वो ख़त्म नहीं हो रहे हमारे, ये कह रहे हैं हर बारी हर दो मिनट में व्यू बदल जाता है, फिर कहता है व्यू अच्छा है, व्यू अच्छा है, ये कैप्चर करना, ये कैमरा निकाल, ऐसी तैसी कर रखी है, कैमरा बंद करता हूँ। इतने में पहाड़ मुड़े, फिर व्यू आ गया, फिर व्यू बदल गया, स्टोरेज खत्म होने वाली है। भैया व्यू से याद आया कि व्यूज दे भाई के चैनल पे, सारी सारी की सारी वीडियोस पे कम से कम 25-30 हज़ार शुरू हो जाने चाहिए। अब आने चाहिए यार, मज़ा ही नहीं आ रहा, पता नहीं क्या हो रहा है यार। चलो कर रहे हैं अब कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं, आप लोग भी कुछ मेहनत करो, सपोर्ट करो यार। ये अभी हम आए हैं नीचे से गाड़ी में, पीछे बैठे थे ये और मैं, हम दोनों, और हालत देख लो क्या हो गई है, बुरा हाल हो गया इसका, इतना सिर घूम रहा है। मैं कुछ बोल रहा हूँ, कह रहा भाई मेरे धंधे में मार दूंगा, ईट वीट मार दूंगा हालत क्या हो रही है इसकी। मेरा भी अभी 5 मिनट पहले ना ऐसी हाल था, वहाँ खड़ा है झुक के आराम से, 5 मिनट तक तो समझ नहीं आया क्या हो रहा है। हिल्स पे ना पीछे बैठ के आना गाड़ी में सच्चा पेन यार, सच्चा पेन, बड़ी दिक्कत हुई, सिर अभी तक घूम रहा है। थोड़ा चलेंगे ना, वॉक करेंगे, हवा लगेगी तो अच्छा लगेगा। सो ये रूट है टाइगर फॉल्स पहुँचने का, यहाँ से हम आए थे, इधर आते ही लेफ्ट साइड पर इधर पार्किंग है, यहाँ से आपको टिकट मिल जाएगा, यहाँ से नीचे जाने का जो टिकट है टाइगर फॉल्स का। तो ये मैं दिखा देता हूँ एक बार कि क्या कॉस्टिंग है इसकी, तो जो जिसको भी देखना हो वो स्क्रीनशॉट लेके रख सकता है। तो अब हम चलते हैं आगे यहाँ से, और यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी करती हैं, गाड़ियाँ नहीं, ये हमारी नहीं है, ये वाली हमारी है, तो गाड़ी हमने खड़ी कर दी है। अब चलते हैं आगे और देखते हैं टाइगर फॉल्स में एक्चुअली है क्या। हाइप तो बहुत है, बट एक्चुअल में अब हमें पता चलेगा कि टाइगर फॉल्स में है क्या। भाई यार ये तो गाली वाली दे रहा है यार मेरे को यहाँ पे, यार क्या चक्कर है यार, मेरे से कुछ मत बोल यार मैंने मांग लिया ये नींबू, क्या है ये, हाँ नींबू मैंने मांग लिया, तो क्या गाली दे रहा है, कह रहा भाई मैं पीऊँगा, मेरे से मत मांग कुछ भी। तो ये सब तो चलता रहेगा। ये है ट्रैक पाथ टू, क्या बोल भी नहीं पा रहा, ट्रैक पाथ टू टाइगर फॉल, हाँ अब ठीक है, स्पोकन इंग्लिश थोड़ी सी हल्की है यार। और ये रास्ता है, यहाँ से ट्रैक है, वो हमारा दूसरा व्लॉगर चल रहा है, पूरी तरह से पूरी कोशिश में है कि जो जो हो सके वो सब दिखा दूं अच्छे से। कभी कभी तो मुझे भी कॉम्प्लेक्स फील होता है कि भाई मैं कुछ दिखा भी पा रहा हूँ, ये विशाल ही सब कुछ बढ़िया कर रहा है। आई मस्ट से यार द ट्रैक टू दिस टाइगर वाटरफॉल इज लिटरली अमेजिंग, लिटरली ब्यूटीफुल। बारिश ना हो जाए बस यहाँ पे, हमें बस इस बात का डर है, अम्ब्रेलास हैं हमारे पास बट स्टिल। लेकिन रास्ता बड़ा ही सुंदर और अच्छा है, थोड़ा शेकी लग रहा है वीडियो क्योंकि ढलान वाली सीढ़ियाँ ना ये हैं यहाँ पे, तो इस वजह से, बट रास्ता और व्यू, ये जो हम रुक रुक के देख रहे थे ना रास्ते में,
वहाँ ना भी रुकते तो भी कोई दिक्कत नहीं आती होगी, यहाँ पे एवरीथिंग इज वर्थ इट। भाई पैरों के जोड़ों में दर्द हो जाएगा। लो जी फाइनली आ गए हैं टाइगर वाटरफॉल्स और यहाँ पे पानी का बहुत ज़्यादा शोर है, एकदम सफ़ेद एकदम बढ़िया पानी है और वो देखो कितना तेज़ गिर रहा है यार, इतना तेज़ पानी गिर रहा है वहाँ पे, जाने का भी मन नहीं कर रहा क्योंकि मतलब मन तो कर रहा है बट डर लग रहा है कि बीच जाएंगे और भी वापस भी निकलना है ना। एक रील्स बनाते हैं, मैं यहाँ से वॉक करता हुआ जाऊँगा फॉल्स में। यहाँ से वॉक करता हुआ यहाँ से वहाँ, हाँ व्यूज़ चाहिए मुझे व्यूज़। और वो देखो हमारे जो कपल है हमारे साथ आया पूरे वहाँ तक होके आ रहे हैं, फुल गीले होने का इनको फुल वो है, कोई टेंशन नहीं है। ये हम टाइगर फॉल से क्लाइंब अप कर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, मतलब टाइगर फॉल से नहीं उसके रूट से वापस ट्रैक अप कर रहे हैं और अभी तो 200-300 मीटर आए होंगे, हालत बुरी होगी यार। दिखाइए वो क्या हो रहा है उधर, वो उधर ब्लॉग शूट हो रहा है, ये सिर्फ अपनी सांसें वापस गैदर कर रही है और साथ साथ फोटो खिंचवा रही है। चलो फिर आगे लेके चलते हैं। तो यहाँ पे पूरी टेस्टिंग हो गई है हम लोगों की कि हम लोग कितनी अच्छी एक्सरसाइज करते हैं, क्या हमारा खाना पीना है, कहाँ से हम आते हैं, बिल्कुल सबकी बैंड बजी पड़ी है। ये काजल इज़ लाइक टोटली फिनिश्ड, ये तो हाथ पकड़ पकड़ के चल रही है और उस भाई तो बढ़िया चल रहा है बट उसने अपने बैग में पत्थर भी डाले हुए जो नीचे इसने फॉल से उठाए थे, पत्थर उठाए थे बड़े बड़े अपने घर में एक्वेरियम में लगाने के लिए। आई एम स्टिल ओके और करण तो भाई फरार हो गया, भाग ही गया वो ऊपर, वो मेरे लगता सीधा वहीं मिलेगा गाड़ी के पास। इससे पता चलता है करण के पास, करण का जो ब्रोकली कैफे है वो बहुत हेल्दी कैफे है, वहीं से हेल्दी फूड खा खा के भागता चला जा रहा है। और एक्सरसाइज करना इज मस्ट, एक्सरसाइज करिए 100% कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलेगा। अब मैं एक्सरसाइज करता हूँ चाहे हफ्ते में 4 दिन कर पाता हूँ या 5 दिन बट फ़र्क पता चल रहा है मेरे को यहाँ पे, जैसे काजल को देख रहा हूँ और मैं भी करता हूँ फ़र्क है, ये तो करता है इसलिए दिख भी रहा है ना कि वो सब सामान लोड होके फिर चल रहा है। फिर से हम लोग आ गए हैं चिलमेरी टॉप पे, अभी विशाल और काजल को लेके आ गए हैं, हमने कहा थोड़ी सी धूप निकली हुई है तो यहाँ चल दिया जाए, लेकिन यहाँ पे आए तो फिर नीचे तो धूप थी लेकिन यहाँ फिर क्लाउड्स हैं, थोड़ा सा व्यू क्लियर है अभी यहाँ पे बट बादल उड़ ही रहे हैं और यहाँ पे 100% स्लोली एंड ग्रेजुअली क्लाउड यहाँ पे फ्लो होगा और फिर यहाँ पे फिर पूरा फॉग हो जाएगा। तो आना सफल अच्छे से नहीं हुआ, थोड़ा सा हुआ बट पूरा प्रॉपर नहीं हुआ, मैंने सोच रहा कि धूप होगी तो करेंगे बट हाँ ये है कि हाँ थोड़ा सा क्लियर व्यू दिख गया है यहाँ पे। लो जी बात करते करते धूप भी आ गई फाइनली और व्यू थोड़ा सा और सुंदर हो गया है क्योंकि क्लैरिटी ज़्यादा बढ़ गई है हर चीज़ की, देखा बनाने की तो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी हो गई है। अभी क्या सीन है, क्लैरिटी बढ़ गई है भाई, घर नहीं जाना है, घर नहीं जाना, घर नहीं, क्या था वो गाना रील्स वाला, धत्ते रिग में घर नहीं जाना, आदि हो गई भाई घूमे जा रहे जाइन रे। 3 बज गए हैं, फ्राइडे है, घर जाना था निकलना था, ऐसा लग रहा रिपोर्टर है हर दो एक वहां लगे वहां यहां लगे, ये रिपोर्टर है। बोलो आज हम लोग लकी रहे क्योंकि धूप आ चुकी है, 2 दिन से यहाँ पे कोई धूप का नामो निशान नहीं था, करण ओनी भी कल आए थे, करण एंड करण ओनी, यस ओनी रिकॉर्ड। तो जी फाइनली समय आ गया है वापस घर जाने का, अभी बज रहे हैं एग्जैक्ट दोपहर के 4 और हम लोग फुल तैयार हैं निकलने के लिए अपने घर के लिए, हम दोनों फुल तैयार हैं और ये दो जो पीछे आ रहे हैं लोग, ये लोग अभी कल सुबह निकलेंगे, आज और रुकेंगे क्योंकि ये लोग कल सुबह आए थे और हम लोग आए थे परसों दोपहर में,
तो इस वजह से हमारा ये ट्रिप यहीं एंड होता है, लेकिन व्लॉग अभी एंड नहीं हो रहा, अभी हमें घर जाने में बहुत लंबा टाइम है, 8-10 घंटे हैं। तो वी विल शूट मोर, वी विल शो मोर, मोस्ट प्रोबेबली, भारी वर्ड और जगह बहुत अच्छी है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, और व्यूज़ देख देख के तो ना हमें खुशी से ज़्यादा परेशानी होने लग गई थी, सिर घूमने लग गया था, और पीछे गाड़ी में बैठना इज़ लाइक वेरी डिफ़िकल्ट वेरी। और ये रही काजल, ये रहा विशाल, तो ये लोग, इनका व्लॉग अभी चक्राता से और बनता रहेगा आगे, हमारा व्लॉग चक्राता के लिए यहीं एंड होता है, और अभी आगे हम और बातें करेंगे। लेकिन भाई मज़ा आया, पहली ट्रिप थी साथ में, सोचा रहा बाइक पे करेंगे ये ट्रिप, बट बाइक पे पॉसिबल हुआ नहीं, दीक्षा नहीं आई, दीक्षा को मिस करा हम सब लोगों ने, खासकर मैंने तो बहुत ज़्यादा मिस किया, दीक्षा होती तो और ज़्यादा मज़ा आता। ये झूठ है, इसके साथ तो कुछ मिस नहीं हुआ है वो तो उसको ही पता है और भेज दिए थे हमने। इसके अलावा रील्स वगैरह बनाने में हमने बहुत ज़्यादा टाइम लगाया, हमने बाटा सिस्टम किया, और दीक्षा अगर होती तो रील्स बनाने में और ज़्यादा टाइम लगता, तो वहाँ हमारा टाइम थोड़ा सेव हुआ, लेकिन हाँ अगर वो साथ में होती तो मज़ा आता और रील्स बनाने में, थोड़ी परेशानी जरूर होती है। मजा तो आता, जो तुमने 2 घंटे लगाए वो 3 हो जाते हैं। तो बस इतना सही, ये बहुत ही सुंदर था, अच्छा सा ट्रिप था हमारा साथ में। ये लोग कल सुबह निकलेंगे, हम लोग अभी निकल रहे हैं, और कुछ बोलना है किसी को? नहीं, सब्सक्राइब कर दो भाई। अरे यार वो तो कर रही है यूट्यूब वाले भाई हमारे। मैं एक्चुअली अपने वीडियोस में ना बोलता नहीं हूँ, कभी भी नहीं बोलता अपने वीडियोस में कि सब्सक्राइब करो, बट ये भाई है, इसने 2-3 बार बुलवा दिया, तो भाई अब तो कर ही देना सब्सक्राइब, मेरा भी कर देना भाई। हाँ बिल्कुल, दोनों का भैया, दोनों का। आप तो मैं सबके डिस्क्रिप्शन आएंगे, सबके डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक आएगा, क्योंकि ये भी व्लॉग डालेगा, मेरे व्लॉग्स बाद में आएंगे, पहले व्लॉग्स इसी के आ जाएंगे, तो आपको इसके व्लॉग देखने के लिए पहले मिल जाएंगे। अब आप पता नहीं सब्सक्राइब इसे करते हो नहीं करते हो, अगर करते होगे तो पहले मिल जाएंगे, अदरवाइज जब मैं डालूंगा तो मिल जाएंगे। तो चलते हैं घर के लिए और करते हैं रास्ते में आपसे बातें। माउंटेन से फाइनली नीचे आने के बाद यार इतना सुकून मिला है ना, ये तो गाड़ी चलाने लग गया था, गाड़ी चलाने के बाद तो ओके ओके फील होने लग जाता है, लेकिन मैं तो भैया बिल्कुल सिर घूम रहा था, लेकिन अब नीचे उतर के आ गए हैं, हो गए 15-20 मिनट, अब सिर बिल्कुल नॉर्मल हो गए, एकदम स्ट्रेट फील कर रहा हूँ मैं, एकदम ओके। अब थोड़ा बैठने में मज़ा आ रहा है, कुछ टाइम बाद आएगा मेरी बात यही गाड़ी चलाने की, तब शायद थोड़ा सा और बेटर फील करे, बाकी अंधेरा बस हो जाएगा थोड़ी देर में, फिलहाल बारिश हो रही है, तो बारिश हो रही है तो भैया बारिश भी देख लो एक बारी, ये वाइपर भी चल रहे हैं, अरे बंद कर दिए क्या, चल रहे हैं, मैंने कहा मेरा पोपट काट रहा है, ये बंद कर दिए इतनी देर में इसने, तो चलते हैं आगे। अब मेरे ख्याल से अब ज़्यादा कुछ आई थिंक सो दिखाने का कुछ होगा नहीं, अगर कुछ होगा स्पेशल तो आई विल टेल यू, अदरवाइज जहाँ कुछ खाने पीने रुकेंगे वहाँ बात करते हैं, और उसके बाद घर पर तो फिर लास्ट में मिलेंगे। तो जी फाइनली आफ्टर अ 8 आवर्स जर्नी वी आर फाइनली होम, और ट्रिप कैसी रही भैया ये तो करण भी बताएगा आपको। ट्रिप कैसी थी, अल्टीमेट मज़ा आ गया, मतलब चक्राता बहुत ही बढ़िया जगह है, आप लोगों को एक बार तो ज़रूरी जाना चाहिए, और बहुत थोड़ी सी ऑफ बीट है बट बहुत अच्छी है, और दिल्ली से यार 8 घंटे की ड्राइव है, 8 घंटे की ड्राइव में कुछ नहीं होता, 8 घंटे की ड्राइव पे दिल्ली से इतने बढ़िया पहाड़ ना आई डोंट थिंक सो कहीं मिलेंगे। हमारे साथ जो विशाल और काजल थे, वे आर मोस्ट एक्सपीरियंस रिगार्डिंग दीज माउंटेन ट्रैवल्स, तो उन्होंने भी ये सेम बात बोली कि 8 घंटे की दूरी पे इससे बढ़िया पहाड़ नहीं मिलेंगे, तो यू मस्ट गो एंड ट्रैवल चक्राता। मैंने बहुत लोगों से बात करी, इसने बहुत लोगों से बात करी जाने से पहले, लोगों को पता ही नहीं है चक्राता है भी कोई हिल स्टेशन, एग्जैक्टली लिटरली, और बहुत ऑफ बीट है, तो इनफैक्ट कुछ कमर्शलाइज नहीं है, आपको मज़ा आएगा 100% मज़ा आएगा। सो अभी बज रहे हैं रात के 12, हम लोगों को ट्रिप पे बहुत मज़ा आया, विशाल काजल कल सुबह वहाँ से निकलेंगे, हम लोग फिलहाल घर पहुँच गए, नींद आ रही है बहुत ज़ोरों की, हमारी गाड़ी ने बहुत अच्छा साथ दिया हमारा, थक गई है गाड़ी, और उसको भी रेस्ट की ज़रूरत है, हमें भी रेस्ट की ज़रूरत है, और अभी ये लेंस बहुत ज़्यादा फॉग हो रहा है, इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, और आप लोगों से मिलते हैं ऐसे ही किसी अच्छे नेक्स्ट ट्रैवल व्लॉग में। टिल देन ईट वेल स्लीप वेल, राइड सेफ ड्राइव सेफ ट्रैवल हार्ड एंड स्टे होम एंड स्टे सेफ फ्रॉम कोरोना एंड बाय बाय, टेक केयर।